अरे और लीजिए ना श्वेता जी। नहीं नहीं इट्स ओके। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ना ये सगाई की तारीख तय करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है ना दया जी। अरे नहीं नहीं श्वेता जी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं अगर आप हमें पहले बता दे तो हम किसी 5-स्टार होटल में अरेंज करवा देते। वैसे आई टेल यू भटिंडा में ना हैप्पी बर्थडे पार्टी भी ना इससे धूमधाम से होती है। श्वेता जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये तो बस शगुन का एक छोटा सा फंक्शन है। असली फंक्शन तो हम तब करेंगे जब हमारी रिया के पापा आएंगे ना। पापा मतलब मेरा छोटा बेटा केतन, वो आएगा ना तब धूमधाम से जैसा आप चाहती है बिल्कुल वैसा बड़े शान से करेंगे, वो भी 5-स्टार होटल में। हमें मालूम है दया जी, हमें मालूम है। और फिर 2 हफ्ते बाद मेरा लाडला पोता अमोल भी तो आ रहा है। इसका मतलब कि आपको हमारे आने की तो खुशी ही नहीं हुई। है ना जी। मॉम प्लीज। श्वेता जी ये सब आपके लिए ही तो है, आप बस हमें खातिरदारी का मौका तो दीजिए। चलिए अब आप मौके की बात कर रही हैं तो समोसे के ऊपर एक कचौड़ी और हो जाए। बस बस डाइट। दादी जी ये सारे अरेंजमेंट्स ना बहुत ही अच्छे हैं, आपको मेरी पसंद ना बहुत अच्छे से पता है राइट। बट आप ये भी जानती हैं ना मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे एकदम सिंपल शादी पसंद है, ना दिखावा ना सोशा। अरे भाई शादी बहुत सिंपल तरीके से ही होगी टिल्लू, मेरा टिल्लू भी ना। डोंट वरी सिर्फ 2-4 फंक्शन हम करेंगे वो भी बहुत बड़े बड़े। और मैं तो सोच रही हूँ कि हम वो जो फैशन डिजाइनर है ना बॉलीवुड का फेमस मनीष वलेचा उसको बोलेंगे कपड़े डिजाइन करने के लिए। और वो कौन है वो बॉलीवुड का फेमस सिंगर गोगो सिंह, हम उसे बुलाएंगे परफॉर्म करने के लिए ओनली फॉर 60 मिनट्स। हाँ 60 मिनट्स पर 60 मिनट्स का टोटल कितना होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे ना। दादी जी मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर आप लड़की वाली तो सारा खर्चा आपका होगा। नहीं इस शादी में जो भी खर्चा होगा ना वो आप पे क्यों पड़ेगा। एंड पापा वो सिंगर जितना भी पैसा ले इस शादी में जितना भी खर्चा होगा ना हम लोग आधा आधा शेयर करेंगे। सर आप ठीक तो हैं? अरे टिल्लू तेरी शेरवानी क्या कर दी आपने? नहीं वो कुछ हाफ सांस अटक गई। पापा रिलैक्स डोंट वरी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी कॉफी गिरी है, अभी क्लीन करके आता हूँ। हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, इतनी छोटी सी बात के लिए ड्राई क्लीन वाले अंकल को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चलो नील मैं तुम्हें वॉशरूम दिखाती हूँ। दादी जी प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं ढूंढ लूंगा डोंट वरी। भीमा दामाद जी को वॉश बेसिन दिखाओ। कोई बात नहीं अब एडल्ट हो गया है लड़का। डोंट वरी जा भीमा ले। मैं Excuse me? वो वॉशरूम कहाँ पे होगा? वॉशरूम उधर नहीं इधर है। सॉरी या अब इन कड़ों को उनकी सही जगह पहुंचाना है मिसेस मेहता के पर्स में। अनन्या हाउज द लिपस्टिक लुकिंग? परफेक्ट। अरे चलो लड़कियों सगाई का मुहूर्त हो चुका है और रिया तो अपनी दादी को जानती है ना वो वक्त की इतनी पाबंद है, चल जल्दी कर। अरे अब शगुन के कड़े। हाँ you
अंगूठी? आप रिया के साथ चलिए, मैं लेकर आती। आज जाने की जिद मत करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। इतना पसंद आ गया मैं तुम्हें कि इस घर तक चली आई मेरे पीछे मुझे प्रपोज करने। अच्छे लगते भी तो इस फैंसी ड्रेस में सीधा रिजेक्ट कर देती। मॉम फिर से पीछे आ गया। You're right, आदत है मेरी पीछा करने की। अब मैं ठहरा पुलिस वाला तो चोर आगे आगे और मैं पीछे पीछे। अरे प्रकाश जी, ये तो वही काले चश्मे वाली लड़की है जिसने मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट किया था। टोटल कितना नुकसान किया इसने? आप तो नुकसान की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी है। लेकिन ये लड़की ना इसे खुद चलना आता है ना गाड़ी चलानी आती है, लेकिन जुबान ऐसे पट 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 चलती है इसकी। वो देखो मेरे टिल्लू से बातें कर रही है। अब देखना मेरा टिल्लू ना इसे सबक सिखाएगा। Hashtag my hero, hashtag savior, post. Are you okay? Yeah, I'm okay. Neil, ये मेरी best friend Ananya. और Ananya, ये मेरा होने वाला fiance, Neil. Hi, Neil. तुम्हारा फियांसे? मेरा हाथ। अच्छा लिसन नील, मुझे तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाना है, चलो। कब मेरा पीछा छोड़ेगा ये लड़का, यहां भी आ गया। फोकस अपनी फोकस, मेरा फोकस ये कड़ा है, वो इडियट नहीं। रिया का मंगेतर एक पुलिस वाला है, मुझे पुलिस वाले के रहते ये कड़े बदलने होंगे, मिसेस मेहता के पर्स में डालने होंगे सगाई रोकने के लिए। नमस्कार। जिस घड़ी का इंतजार, जिस पल का इंतजार हर माँ को रहता है, वो घड़ी आखिर आज आ ही गई। आज मेरी पोती रिया की सगाई खन्ना खानदान के वंश नील के साथ होने जा रही है, और इस तरह मेहता और खन्ना खानदान में एक अटूट रिश्ता बनने वाला है। तो आइए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। दादी, this is not fair. क्या? आज रिया मेहता की एंगेजमेंट है और इतना प्लेन अनाउंसमेंट।
हाँ देखो तो भाई, बिल्कुल सही कह रही है रिया बिटिया। लुक ऑल भाई, सास बहू की अभी से एकदम फाइन ट्यूनिंग हो गई है। दादी को ना ये मिसस्टैंडिंग करती है लेकिन। हाँ थैंक यू मॉम जी। श्वेता जी, आप वो राइट टर्न लेना चाह रही थी, आप लेफ्ट टर्न ले गई। कुछ और कहना चाह रही थी ना आप? तो आप राइट टर्न दिलवा दीजिए ना। और वैसे भी आपको जो समझना है वो समझिए भाई। भाई मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ गई है, एकदम फाइन टर्निंग हो गई हमारी। ट्यूनिंग ट्यूनिंग अनन्या, व्हाट इज दिस? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बहुत बड़ी फॉलोअर हो, और आज मेरी सगाई के फंक्शन में तुम ऐसे चुपचाप साइड में खड़ी हो। कुछ नाच गाना हो जाए, कम आओ। मैं कैसे डांस? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है रिया। भाई पार्टी शार्टी होनी चाहिए, डीजे को बुलाओ भाई, है ना? हाँ। अनन्या, अरे ऐसे मौकों पर दोस्तों से ही तो रौनक बनती है। आओ बेटा। कमॉन अनन्या, मेरे सारे फ्रेंड लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देखेंगे, वो क्या सोचेंगे कि मेरी एंगेजमेंट पे इतना बोरिंग सा सेलिब्रेशन। चलो मैं चलना पड़ेगा डांस करने। आओ। नहीं नहीं मैं डांस, रिया कैसे? नहीं 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 रिया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी बोरिंग है? डांस और ये, आई डोंट थिंक ये कर पाएंगे। इस चांस पे डांस कर ले अपनी, यही मौका है कड़े बदलने का और इस पुलिस वाले को मजा चखाने का।